देवर भाभी का इतिहास किसी हिस्ट्री में नहीं लिखा कि देवर भाभी का कोई इतिहास था, लेकिन द्वापर युग में और महाभारत के समय देवर भाभी का इतिहास रचा गया। जब दुर्योधन पांचाली द्रौपदी को जुए में जीत लेता है, अपने भाई को आदेश देता है कि दुशासन आज रंग महलों में जाइए और इस घमंडी पांचाली द्रौपदी को केस पकड़कर घसीटते हुए हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। अपने भाई का आदेश पाकर दुशासन आज रानी द्रौपदी के रंग महलों में पहुंच गया और केस पकड़कर घसीटने लगता है। वो रजोशला का वेश, वो अबला नारी किस प्रकार से उससे अपनी जान बचाने लगती है, छुड़ाने लगती है, और दोनों के बीच में कैसे क्या सवाल और जवाब होते हैं। आइए, बहुत ही सुंदर सा मौका आपके बीच में पूजा शर्मा जी और मेरे द्वारा। हाँ जी, क्या बात है गुरु जी, यही बना कर रखे हो। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े दे भाई, थोड़े से वो आवाज आते रहे। शासक नंबर भाभी द्रौपदी के श्री चरणों में देवर दुशासन का सादर प्रणाम स्वीकार किया जाए। भाभी जी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जीते रहो देवर जी, जीते रहो। पर नहीं बताओ इतनी तेज चिल्ला क्यों रहे हो, सुन रहा है मुझे? बैरी नहीं हूँ मैं। अगर आवाज जोशीली ना हो तो हमें कोई छत्री नहीं कहेगा। इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी कहीं पैसा नहीं, कोई ना पूछ रहा आजकल। लॉकडाउन में ज्यादा एनर्जी बन रही है, लॉकडाउन में तो सालू मोटी होगी, सालू में तो रंग आ रहा है। नमस्कार भाभी जी, जीते रहो। बताइए भाभी द्रौपदी के महलों में आना कैसे हुआ? भाभी द्रौपदी, हाँ, बड़े भाई हस्तिनापुरी नरेश, युवराज दुर्योधन के आदेश पर आज मैं तुम्हें भरी सभा में, मर्दों से भरी पंचायत में लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यानी कि तुम मुझे ले जाने के लिए आए हो? हाँ। लेकिन क्यों? आज तुम्हारे इंतजार में मर्दों से भरी पंचायत खचाखच बैठी है। अच्छा, मेरे भाई दुर्योधन का आदेश था किस घमंडी पांचाली द्रौपदी को केस पकड़कर घसीटते हुए राज दरबार में पेश किया जाए। ये तो आप अपना सौभाग्य समझिए कि मैं आपसे तमीज से पेश आ रहा हूँ। अच्छा, या तो मेरे साथ राजी राजी चलिए, नहीं तो जो भाई ने कहा है वही करके ले जाऊंगा। अगर तुम्हारे भाई को इस द्रौपदी की ज्यादा ही याद आ रही है ना, अच्छा, तो अपने भाई से कहिए कि इस द्रौपदी से आके यहाँ मिले, ये द्रौपदी कहीं जाने वाली नहीं है, आवाज उठा दो इसकी। चक्रवर्ती राजा दुर्योधन के राज में उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। अजी पत्ता कैसे नहीं हिलेगा? और तू कहती है कि वो तुझसे वहाँ आकर के मिले। हाँ मिले। भाभी द्रौपदी, हाँ, ये तेरी कतरनी सी जो जवान है ऐसे ही चलेगी? ना चले कभी, चलेगी एक ही लाठी में टन नहीं टन बोलेगी, पार पड़ेगा जाके। अच्छा, देख रही है साइज देख के तो बात करे रहे हैं। तू देख पहले अपना साइज है, मच्छर सा, मच्छर दिखाई दे रहा हूँ और का? सुन मेरी बात, सुन ले। हेलो, अंधेकारी अंधा याद करे, तो उस अंधे से जाकर कहिए क्या मैं, अच्छा, सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। कह दोबारा से, निकल यहाँ से तू भी, अरुण देखो भी। अच्छा जी, द्रौपदी नहीं आएगी, कहिए सर। सुना, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। अरे द्रौपदी मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे।
खांसी आती है। तू इतना गर्म क्यों हो रहा है? मैं गर्म ही खाऊं, कोई ठंडी चीज। 3000 mg 4 साल है गई। दही वही पिया जा, थोड़ी मेहंदी पी ले। दही वही राय तो खाओ हो। तो इतना गर्म मत बोल। देख तू जो कहता है ना मुझे कि तुझे इज्जत का नहीं पता, तुझे उसका नहीं पता। हाँ, है ही नहीं पता मुझे, सब बात का पता है। अच्छा, तमीज तो तुम्हें नहीं है। कैसे? कि अपनी बड़ी भाभी से बात किस तरीके से की जाती है। अच्छा, बड़ी भाभी के तो पैर छुए जाते हैं। पैर छू मेरे? बड़ी भाभी अगर उल्टा हो, बड़ी भाभी अगर बदकार हो, जबान को लगाम दे, बड़ी भाभी अगर चिपचल हो, तो उसके न पैर छुए जाते न सर छुआ जाता। और तू क्या है? तो लाठी मारी जाती है। तू मारेगा? सुन मेरी बात, काट के फेंक दूंगी। सुन ले, सुन। ऐसे ही बालक होंगे तेरे, देख ले। रे, रे कैसे गिराओ बोए? ले जाओ मामा को, ले जाओ मामा। अरे इन बातें तो मेरा द्रोप तेरी हृदय होता नरम नहीं। आदरणीय भाई अमित चौधरी जी, जो हमारा भांजा है, जड़ोली से 100 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं, धन्यवाद। और आदरणीय धर्मवीर प्रधान जी मेथना से 100 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय बड़े भाई राजपाल सिंह जी मेथना से, वो भी 100 रुपए से सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ले सकल गंदी खा लिए, बेटा मुझसे मत लट, नहीं तो लटक मत पटक दूंगी। तू ना लटक ना पटकेगी ना सटकेगी, तुझे ऐसा हाल कर दूंगा तेरा, ना पटके ना सटके। सुन मेरी बात। सुना? अभी तू इस द्रौपदी से अटका नहीं है। अच्छा जी। हाँ। क्यों? मैंने बड़े बड़ों को ठिकाने लगा दिया। द्रौपदी, मैं राजा चक्रवर्ती दुर्योधन का भाई हूँ। तेने अभी भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन 5-5 लोगों को झेला। हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई टीटू प्रधान जी बरौली और उनके साथ हमारे फौजी साहब, वो हमारे बीच में पहुंचे, मैं उनका भी दिल और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आदरणीय बड़े भाई टीटू भैया जी और हमारे फौजी जी हैं, जिनका बेटा पिछले वर्ष 18 मई 2018 को शहीद हुआ था लेह लद्दाख में, वो हमारे बीच में फौजी साहब आए हैं। मैं उनका उनके लिए एक बार जोरदार ताड़ी बजा करके, ऐसे जो सैनिक हमारे बीच में पहुंचते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, हौसला अफजाई करते हैं उनका, एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ में कहिए भाभी द्रौपदी सुनिए, तू सुन मेरी बात। बताई नहीं मेरे
आई नहीं आवाज तो समझ में आ रही है पीछे तक या ना? ताड़ी बजा के बता दो एक बार जोरदार। मेरा गाना बेकार है अगर तुम्हारी समझ में ना आई। कैमरा वाले इनकी में भी आ रही है या डांस के चक्कर में हो? सुन लो दो रागनी, उसके बाद में तुम्हारे मर्तब की बात। आइए मेरी बात सुन। सुना यूं बता। हाँ तेरे भाई ने मुझे लेने के लिए भेजा है। हाँ जी। अपने भाई से जाकर ये कहे क्या कि द्रौपदी आने वाली नहीं है। क्यों? अगर मिलना है तो मुझे यहाँ आके मिले। अभी द्रौपदी हाँ जिन पांच पांच पतियों पर तुम घमंड करती हो हाँ। वो तुम्हारे पांच पांच पति आज हमारी सभा में गर्दन झुकाए बैठे हैं। अच्छा। वो हमारे गुलाम हैं, वो हमारे दास हैं, हमारे नौकर हैं। आज तुम्हें बचाने उस सभा के अंदर कोई नहीं आएगा। सुन मेरी बात। सुना। तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो। अरे हम हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय है तू? हाँ। बॉडी दिखा दे। बॉडी देख देख लो पिंजर यहाँ के बात कर। बॉडी दिए बॉडी दिखा रहा है पिंजर बन रहा है तेरा वैसे ना संजीव की तरह पेट लेकर फिरूं। तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो। हाँ जी। पर मैं तुम्हें क्षत्रिय नहीं मानती। तू क्या मानती है? क्योंकि अब तुम्हारे बस की अस्त्र शस्त्र तलवार करछी भाला उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं रही। और अब तुम औरतों को ले जाओगे सभा में नचाओगे। हाँ। अरे जो लोग ऐसा करते हैं ना हाँ। वो क्षत्रिय नहीं होते। कौन होते हैं? वो तो हिजड़े होते हैं। हिजड़े? और तू एक हिजड़ा है और तेरे ये भाई भी हिजड़े हैं। ये पांचों हाँ इधर आ। मत लगा। इधर है इधर हाँ। मुझे तू हिजड़ा बताती है हिजड़े और अपने आप को पतिवर्ता कहती है पतिवर्ता। ओ हिजड़े जवान को लगाम दे। भाभी द्रौपदी जिस औरत के हमारे समाज में पांच पांच पति होते हैं तो? वो पतिवर्ता नहीं होती। कौन होती है? अरे वो वेश्या होती है वेश्या। तू एक वेश्या है। चुप रह बहुत जवान चला रहे। सुन मेरी सुन ले। तू कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान
₹50 का पुरस्कार देकर के सम्मानित कर दें। धन्यवाद आदरणीय श्री तेजवीर सिंह जी जाडोल से ₹100 देकर के सम्मानित कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सूरवीर सिंह जी जड़ोली से, वो भी ₹100 का पुरस्कार देकर के सम्मानित करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय अविंदर मास्टर जी जड़ोली से, वो भी ₹100 का पुरस्कार देकर के सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब लोग पुरस्कार दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरे लिए दे रहे हैं, और यूं कह रहे हैं भाभी द्रौपदी ले जा, ये नूना दे रहे, क्या दे रहे हैं ये पैसे दे रहे हैं, नू कह रहे हैं थोड़ा दूध वूध पिया बोनवीटा का ताकत बना ले, भाभी द्रौपदी बावड़ी में बोनवीटा का पीऊ बकरी का पी ले, अरे हम तो भेड़ को पियेंगे तू धार ले, गधी का भी हम खाई बात कर रही है, ₹7,000 लीटर है गधी को, तो नसीब है रहो ना, हम ना पिए तू नहीं बात करे हमारी, सुन तू सुन ले। अच्छा वही मिला देवर, ओ मेरे आसाराम की चेली, ओ मेरा लड़... बड़ी सांच बोले ना तू तो, अरे मेरा बाबू, अरे जाइए जा साथ चल ना, ना तो पकड़ के केस भरी सब हमें सबके सामने पेश करूंगा, नहीं से कट जाएगा कहे। साच कहे बिन प्यारे देवे उस ईश्वर की माया का कदर वेद किसी न पाता ना, उस ईश्वर की माया का कदर वेद किसी न पाता ना, अरे पहला करया हुआ भर ले मत ताजा खड़ा फसा से करे, ऐसे लग रही है जैसे अंडी को तेल लगा का यो हाथ अंतर पट रहे हैं, तेरी ताकत खत्म होली, ला मैं बताऊं ताकत, सुन मेरी बात, चल चल सुन ले, अरे द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे, जय हो।